अयोध्या रामलला के 27 वर्ष कृपाल में रहने के बाद अब उनकी अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह निश्चित हो गया है कि नए वर्ष के आगमन पर रामलला के मुख्य पुजारी अचार सत्येंद्रदास ने भगवान राम की विशेष पूजा की है। वहीं रामनगरी में ढांचा ढह जाने और उसके बाद बनी स्थिति के बाद मंदिर को लेकर लंबा विवाद चला, जिसके बाद 9 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इसके साथ ही अयोध्या में एक बार फिर राम मंदिर के भव्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर देश और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अभी ट्रस्ट का गठन नहीं हो सका। वहीं 9 वर्ष के आगमन पर रामलला के मुख्य पुजारी अचार सत्येंद्रदास ने गोपाल मंदिर में भगवान को 56 भोग लगाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि 27 वर्ष तक टेंट में रहने के बाद अब रामलला एक भव्य मंदिर में विराजेंगे, इसको लेकर अयोध्या वासियों में उत्साह है। आपको बता दें कि नए वर्ष के आगमन से पहले अयोध्या में कई सारे नए आयाम स्थापित होने वाले हैं। रामनगरी में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाओं को क्रियान्वयन पर विचार किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर रामलला के मुख्य पुजारी अचार सत्येंद्रदास ने भी बहुत उत्सुकता है। उन्होंने कहा है कि 27 वर्ष के बाद रामलला त्रिपाल से उठकर भव्य मंदिर में विराजेंगे। इससे पहले नए वर्ष के आगमन पर उन्होंने 56 भोग लगाकर विशेष पूजा की। भगवान राम जब लंका विजय करके 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीपावली किया। उसके दूसरे दिन 56 प्रकार के भोग लगाया। हमारे भगवान राम 27 वर्ष तक त्रिपाल में रहे और त्रिपाल से उठ करके 9 नवंबर को कोर्ट का आदेश हो गया है कि अब भगवान रामलला के भव्य मंदिर बनेगा। तो 2019 बीत चुका है, 2020 लग गया है और आज पहला दिन है। उसी खुशी में हम भगवान राम लला के लिए 56 प्रकार का भोग लगाए कि अब त्रिपाल से उठ करके भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और वह समय इसी 2020 में संभव है कि राम लला का भव्य मंदिर बनने लगेगा। तो इसकी जानकारी कुछ लोगों की हुई और उन लोगों ने, एक तो 9 वर्ष का समय है 2020 का आज, और दूसरे रामलला का आदेश आ चुका है मंदिर बनने का, इसलिए जितनी भी समस्याएं आज तक 27 वर्षों से रामलला के ऊपर रही सब समाप्त हो गई, उनकी कृपा रही, अब भव्य मंदिर बनेगा। या 9 वर्ष की सभी प्रकार की शुभकामनाएं सभी को और सभी मीडिया वालों को, सभी देशवासियों को और भगवान रामलला की ओर से। इसलिए आज 56 प्रकार का भोग लगा है रामलला को और रामलला को वह दृश्य हम लोगों ने किया कि भगवान राम अब उनके समय समाप्त हो गया वनवास का, अब भव्य मंदिर विराजमान उसका अधिकरण होगा और उसका विस्तार किया जाएगा। ठीक हो, बनेगा भव्य मंदिर बनेगा और ये ऐसा मंदिर बनेगा जो लोग देख करके और एक बार कहें कि यदि कोई मंदिर है तो अयोध्या में भगवान रामलला के।